अगर आपको भी इतने मज़े का पालक चीज़ बनाना सीखना है तो आपको हमारी वीडियो शुरू से एंड तक देखनी होगी ताकि आप भी इतने मज़े का पालक चीज़ बनाना सीख सकें। अगर आपको हमारी पूरी वीडियो देखनी है तो हमारे YouTube चैनल पर जाना होगा जिसका नाम है कुकिंग विद गुन्नास YouTube चैनल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद गुन्नास। जैसे कि आप देख रहे हैं आज हम आपको पालक पनीर तो नहीं लेकिन पालक चीज़ बनाना सिखा रहे हैं। आपने पालक पनीर तो बहुत खाया हुआ है, आज हम आपको पालक चीज़ बनाना सिखा रहे हैं जिसके लिए हमने 3 किलो पालक लिया है। आपको पता है पालक जो पक के जो भूज के जो कम हो जाता है, इसलिए हमने 3 किलो पालक लिया है। इसके लिए हमने हैप्पी काया वाले की चीज़ ली है, ये हमने एक पैकेट लिया जिसमें 8 होती है ये, इसलिए हमने इसे एक पैकेट लिया है। हमने 20 हरी मिर्चें लिए जिसे हमने दरदरा सा कूट लिया है। हल्दी लिए 1 इंच का टुकड़ा जिसे हमने इसे पीस लिया है। लहसुन अदरक लिया है 1-1 खाने का चम्मच। नमक हमने 1.5 चाय का चम्मच लिया है, अपने जायके के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने लहसुन का एक गाटा लिया जिसे हमने बारीक काट लिया है देखें, और हमने 1 चाय का चम्मच हमने सफ़ेद जीरा लिया है, और हमने तेल लिया है 1 प्यारी सरसों का। आइए इसे बनाने की तरकीब देखते हैं। उससे पहले आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल फ्री। देखिए पतीला गर्म हो चुका है, उसमें डालेंगे सबसे पहले तेल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके गर्म होने का इंतज़ार करें। देखिए तेल गर्म हो चुका है, उसमें डालेंगे सबसे पहले लहसुन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसका लाइट ब्राउन करेंगे। अब इसमें डाल देंगे जीरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी के साथ डाल देंगे लहसुन अदरक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ डाल देंगे इसमें हरी मिर्च। देखिए इसमें हमने हरी मिर्च डाल दी, हरी मिर्च के बाद हमने इसमें डाल देंगे हम हल्दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल्दी डाल देंगे, और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें पालक। हमने सारे मसाले डाल दिए हैं, सिर्फ नमक रह गया। नमक हम डालेंगे जब आधा इसका पालक का पानी खुशक हो जाएगा, उसमें पालक डाल देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक डाल के हम इसको थोड़ी देर छोड़ेंगे जब तक इसका पानी नहीं निकलता, उसके बाद फिर इसको हम भूनेंगे। सारा पालक डाल देंगे। देखिए हमने इसमें सारा पालक डाल दिया है, अब हम इसके पानी का इंतज़ार करें, इसका पानी निकलेगा, फिर इसको हम हिला हिला के इसको खुशक कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। देखिए हमने इसमें सारा पालक डाल दिया है, पालक ने पानी छोड़ दिया, ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें कितना पानी छोड़ा है। अब इसके पानी को हम खुशक करेंगे, हिलाते रहेंगे बीच बीच में, और जब पानी खुशक होगा फिर आपको दिखाएंगे। इसको हम हिला देते हैं आपके सामने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए पालक डालते डालते कितना नीचे चले गया है, आधा हो गया है पूरा, और पानी छोड़ दिया इसमें। हम इसको बिल्कुल भूनेंगे, इसमें पानी नहीं छोड़ेंगे, जब बिल्कुल भुनी जाएगा तो हम इसमें नमक डालेंगे। देखिए पालक को हम भून रहे हैं, पालक में थोड़ा ही पानी रह गया, आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा ही पानी रह गया है। इसमें हम डाल देंगे नमक, जो हमने आपको नमक बताया था, ये नमक डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको हम भून लेंगे। पालक को अच्छी तरह भुनेंगे कि तेल इसका ऊपर आ गया और पानी जो है वो बिल्कुल खुश हो। देखिए हम जो आपको पालक चीज़ बनाना सिखा रहे थे उसका पानी जो है बिल्कुल खुश हो गया, आप देख सकते हैं तेल बिल्कुल ऊपर आ गया है, पानी खुशक हो गया है, और पालक देखिए कितना कम हो गया है, पानी इसका बिल्कुल खुश हो गया। अब इसलिए पक गया है, इसको हम दिखाओ। देखिए आपने पालक पनीर तो बहुत बार खाया होगा, और जो पालक मखनी बनता है वो भी आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन आज हमने आपको पालक चीज़ बनाना सिखाया है। बिल्कुल यूनिक डिश है और बहुत मज़े की बनी है। आप देख सकते हैं कि हमने इसमें चीज़ ऊपर से लगाई है, गरम गरम पे हमने डाली है, इसको हमने अंदर नहीं कुक किया है, वरना चीज़ का जो जायका है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है, इसलिए हमने इसको ऊपर डाला है ताकि पिघल भी जाए, इसका सॉफ्ट और जो मज़े का जायका होता है वो आपको पूरा मिले। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी डिश आपको कैसी लगी है। आप इसको बाजरे की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और इसको आप मकई की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़े का बना है। प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज की डिश आपको कैसी लगी है। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको कुछ बनाना सीखना है तो प्लीज़ हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा ताकि हम आपको बनाना सिखा सकें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।